हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। अटेंडेंस लगवा लो। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट मैम, 3, 4, 5, 8, 9, प्रेजेंट मैम, 10, 8 प्रेजेंट मैम, ओके, 10 प्रेजेंट मैम, ओके, 11, प्रेजेंट मैम, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, present ma'am, 25 present, okay, 27, 21 present ma'am, okay जी, 31 मैम, 527 नंबर हो गया। हाँ जी, लगा दी। 31, 32, 532 प्रेजेंट मैम, ओके, 33, 35, 36 मैम, ओके, 36, 38, 40, 540 प्रेजेंट मैम, ओके, 42, 45, 46, 546 प्रेजेंट मैम, ओके, 47, 48, 49, 49 प्रेजेंट मैम, ओके, 50, 51, ओके, 51, 52, 1501, 1502, yes ma'am, 1503, present ma'am, 4, 5, present ma'am, present ma'am, 5 present, okay, 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 7, 14, 18, 19, 20, yes ma'am, 21, 22, 512, 537, ma'am, 523 present, 523 मुदित, ओके, 504 एंड 50, ठीक है जी, 5045 दोनों, 521 लगा दी थी जी, और मैम 511, ठीक है जी, और 501, ठीक है जी, 546, हेलो। हाँ जी क्लास, आपकी आवाज नहीं आ रही, इतना पता चल रहा है कोई बोल रहा है। 501 कोई बोला था। हाँ जी, आ गई आ गई आ गई। 501 कोई और, जसजोत बोला सुन, ओके, जसजोत, ठीक है, और कोई रह गया? मैडम 538, ठीक है जी, ओके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? एंग्जायटी, एंग्जायटी, राइट। एंग्जायटी के हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? टाइप्स पढ़ ली थी, टेक्निक्स पढ़नी थी, टेक्निक्स पढ़नी थी, ठीक है, ओके। लेट मी शेयर स्क्रीन।
ओके फर्स्ट टेक्निक हमारी बेसिकली एंजाइटी को हैंडल करने के लिए दैट इज मेडिटेशन फर्स्ट वन. तो मेडिटेशन आपको हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया था, स्ट्रेस में भी मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपके स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हेल्पफुल हो, और एंजाइटी भी एक तरह से स्ट्रेस का ही एक पार्ट है. तो मेडिटेशन जो है वो आपकी बॉडी को माइंड को रिलैक्स करने के लिए या फिर पीस प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है. तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी फॉर मेंटल डिजीजेस मोस्टली. ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिलीज एनर्जी. अब इसमें क्या आ सकता है, कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम मतलब कि शांत से बैठना और जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर हम किसी गोल की तरफ अचीव कर रहे हैं तो क्या हमसे गलतियां हुई है और क्या हम इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, करंट सिचुएशन को इमेजिन करना चाहिए कि क्या चल रहा है. ठीक है, राइट. करंट सिचुएशन को इमेजिन, फ्री बैठ के अगर एंजाइटी हो रही हो तो एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, फिर उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, एनर्जी डाइवर्ट हो जाती सारी. राइट, अपना माइंड डाइवर्ट करना है, बॉडी को डाइवर्ट करना है. हां जी, कोई और ऐड करना चाह रहा था कुछ? कौन बोल रहा था, बोलो. मैम मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करना, राइट, दैट इज आल्सो ए गुड फैक्टर. ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे रिलीज एनर्जी में. ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट्स थे, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे से बेटर समझा सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर एफर्ट्स. ठीक है, देन टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना है, ये हमने पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में पढ़ा था सारा, तो डेट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस. एंगजाइटी होती कई बार ऐसे कारणों से भी होती है कि आपने टाइम पे काम कम्प्लीट नहीं किया, फिर आप उसके लिए गिल्टी फील करते हो, फिर ऐसे ही करते करते कई बार हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट बन जाती है कि आप लोग आपकी नॉर्मल डे लाइफ में भी वो आपको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है. तो उस केस में अगर आप टाइम मैनेज करके अपने सारे काम करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. देन ब्रीथ, whenever you feel exhausted, you should take long breaths. Basically, कहते हैं ना कि तेज तेज सांस लो, थोड़ी environment, healthy environment में जाओ, बाहर घूम के आओ, थोड़ी सी ताजा हवा लेके आओ, तो that is under this. ठीक है, then exercise regularly, daily exercise करनी है, वो आप लोगों ने already point बोल दिया है, तो वो इसमें आ जाएगा. then decrease the negative self talk, अपने आप से negative बातें करना, basically अपने बारे में ही नेगेटिव व्यूज रखना, ये काम बंद करना है हमें. ठीक है, देन लाफ एक्सरसाइजेस, बेसिकली योगा की अगर बात करें तो योगा में लाफिंग की एक एक्सरसाइज करवाई जाती है. आपने मे भी पार्क्स में देखा होगा, काफी लोग जो योगा कर रहे होते हैं वो इकट्ठे होके पहले फिर हंसते लाफिंग करते हैं विदाउट एनी रीजन. तो बेसिकली लाफिंग से आपकी एंग्जाइटी भी खत्म हो रही है, प्लस आपकी बॉडी को, बॉडी के डिफरेंट डिजीजेस खत्म होते हैं और आपको एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो दैट इज अंडर दिस पॉइंट. देन लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करो दूसरों की बजाय. नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस आई थिंक. किसी को अगर इनमें से कोई डाउट है या कुछ पॉइंट्स ऐड करवाने हैं देन यू आर वेलकम. हाँ जी, इसमें आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है, आप जो स्ट्रेस को मैनेज करने के फैक्टर्स थे वो भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो. अगर आपको डायरेक्टली पूछा ही गया कि टेक्निक्स बताओ एंजाइटी को मैनेज करने की, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए, तो अगर आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं लिख सकते तो आप डिफरेंट पॉइंट्स बढ़ा सकते हो अपने, 8 पॉइंट्स के बजाय 10 पॉइंट्स लिख लो 1-1 लाइन के, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बढ़ा सकते हो. स्ट्रेस के जितने भी टेक्निक्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, वो सारी इसके अंदर आप लिख सकते हो. तो मेक श्योर आप साथ में मेंशन कर लो, अगर आपके पास इस टाइम बुक है तो इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो प्लस टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, वो सारी इसमें आ जाएंगी. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है, से नो टू एनी एक्स्ट्रा वर्क. ठीक है, इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल देन हेल्थी फूड खाओ, अपने गोल्स को एडजस्ट करो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइजेस करो. ठीक है, रिलैक्स कैसे करना है अपने माइंड को, वो सारा काम, वो सारी चीजें जो थी वो सारी इसमें आ जाएंगी एंजाइटी के अंदर. ठीक है, यहाँ तक? यस यस मैम. ओके यस मैम.
ठीक है, तो अब हमारा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज मैनेजिंग इन टीम. ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 यूनिट्स खत्म हो चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है मैनेजिंग इन टीम. तो टीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल. राइट, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल, वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल बोल सकते हो. ठीक है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं. ठीक, वो सारा बेसिकली टीम के अंदर आएगा. और बेसिकली एक ही टास्क को अचीव करने के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसके बारे में, कि सारी टीम एक ही गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रही है. सभी के अपने अपने गोल्स नहीं है. ठीक है, अलग अलग गोल्स नहीं होंगे, जो भी गोल्स होंगे इनडायरेक्ट वे में वो एक कॉमन गोल की तरफ अचीवमेंट के लिए वर्कआउट कर रहे हैं. तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है, आप कॉमन गोल यहाँ पे होना. अगर आप इसकी डेफिनेशन में कॉमन गोल वर्ड नहीं लिखोगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डेफिनेशन ऑफ ए टीम. ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और आपके कई बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि व्हाट इज टीम, हाउ टीम कैन बी मैनेज, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट टाइम 5 मार्क्स के लिए, आई थिंक सो 5 में था. ठीक है, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन टीम की भी पता होनी चाहिए अलोंग विद द टीम मैनेजमेंट. अब अगर बात करें टीम्स की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स होती है, डेट इज फंक्शनल और डिपार्टमेंटल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम एंड सेल्फ मैनेजिंग टीम. ये 3 टाइप की टीम्स है. ठीक है, अगर फंक्शनल की बात करें तो उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम वर्क एरिया और डिपार्टमेंट हु मीट ऑन रेगुलर बेसिस टू एनालाइज कस्टमर्स नीड, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड मेंबर्स विद सपोर्ट एंड डिफरेंट टास्क जो भी है. बेसिकली है क्या, एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट पीपल इकट्ठे होके एक कॉमन गोल के लिए भी वर्क कर सकते हैं, प्लस अपनी कंपनी को और उसकी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी कंपनी को और आगे ले जाने के लिए जो भी काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज ए डिपार्टमेंटल टीम. बेसिकली डिपार्टमेंट की टीम बनी. अब अगर इसकी इजीएस्ट एग्जांपल लो तो हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की ही बात कर लेते हैं. तो इसमें डिफरेंट टीचर्स वर्क करते हैं कंबाइनली. कॉमन गोल क्या है, इनडायरेक्ट वे में कॉमन गोल है हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनको वेल अवेयर बनाना कि कैसे वो जॉब्स ले सकते हैं और उनको उसके कैपेबल करना. ठीक है, इनडायरेक्ट गोल है हमारा. एंड डायरेक्ट गोल हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स में जो बेस्ट हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं वो हम करते हैं. तो बेसिकली हमारा अपना एक्सपर्टाइज का एक फील्ड है, उसी की हेल्प से हम जो हमारे ओवरऑल डिपार्टमेंट की अचीवमेंट है वो हम डिसाइड करेंगे. तो बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पीपल अलग अलग एरिया से आए, मिलते हैं रोज, एक दूसरे के साथ चाहे काम करें या एक दूसरे को जस्ट सपोर्ट करें काम करने के लिए, तो डेट विल बी अंडर डिपार्टमेंटल टीम. देन आती है हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम. इसमें क्या आएगा, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर पुल्ड टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और जॉब फंक्शंस टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. बेसिकली अब इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो, अभी मैंने ऊपर वाले में एग्जांपल लिया सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, बट अगर मैं बोलूं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पर्सन इकट्ठे काम करें, लाइक आपकी फर्स्ट ईयर में आप अप्लाइड साइंस में काम कर रहे थे, ठीक है, अप्लाइड साइंस में भी आपको वर्कशॉप के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको डिफरेंट वर्कशॉप्स ऐड करवाई थी, 6 टाइप ऑफ वर्कशॉप्स थी. उसके बाद आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स का सब्जेक्ट था, वो सारे अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे थे, प्लस आपका CFIT सब्जेक्ट और BEX सब्जेक्ट जो थे वो आपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट के टीचर्स से पढ़े. तो बेसिकली हुआ क्या, उस टाइम पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टीचर्स इकट्ठे हुए, ठीक है, और आपको अपनी बेस्ट दे रहे हैं, मतलब क्रॉस डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, then it will be under cross functional team. ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि for example हमारे कॉलेज ने एक टीम बनानी है जो basically women grievance के लिए है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे कॉलेज वाले बोलेंगे कि सिर्फ कंप्यूटर्स के टीचर इसमें एडमिट हो सकते हैं, जो उसके टीम के मेंबर्स हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि वो एक अप्लाइड साइंस का टीचर ले, एक फार्मेसी का ले, एक इलेक्ट्रिकल का ले, एक कंप्यूटर का ले, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सिलेक्टेड मेंबर्स को लिया उन्होंने, एक टीम बनाई और उनको नाम दे दिया कि एक वुमेन ग्रीवियंस सेल की टीम है.
ठीक है, तो डेट विल बी अंडर क्रोज फंक्शनल टीम. एंड लास्ट इज सेल्फ मैनेजिंग टीम. इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हु ग्रेजुअली एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, लाइक हम दो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मिलके घर का काम कर रहे हैं. आप लोगों की एग्जांपल ले सकते हो, आपके एक ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, ठीक है, आपने अलग ग्रुप बनाया होगा जिसमें आप अपना सारा काम भी करते होगे, जोक्स भी सेंड करते होगे, वीडियोस भी हंसी मजाक वाली भेजते होगे. तो डेट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्मली अपने अपने ही डायरेक्शंस की हेल्प से या अपने ही काम के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो डेट विल बी अंडर सेल्फ मैनेजिंग टीम. तो वो टीम बेसिकली कोई सुपरवाइज नहीं करेगा पर्सन. ये ऊपर वाले दोनों केसेस जो है, इस केस में दोनों टीम्स को सुपरवाइज किया जा सकता है एक टीम लीडर की हेल्प से. बट अगर सेल्फ मैनेजिंग टीम की बात करें तो इस केस में हमें एक लीडर होना कंपलसरी नहीं है. लीडर हो भी सकता है, ना भी हो तो भी चलेगा, बट पहले दो केसेस में लीडर का होना कंपलसरी है एक टीम में. यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. अब बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टीम. प्रॉपर डेफिनेशन उसकी लिखवा रही हूँ. टीम की डेफिनेशन हेडिंग दो टीम, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखो. नोटबुक्स हैं सभी के पास? हाँ जी है, नहीं है? यस मैम. ओके यस, ठीक है, लिखो. A group of persons, with different type of skills, with different types of skill, who are committed, committed, committed लिख के TED, who are committed to a common purpose, set of performance goals and approach for working together with each other. दो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही लिखनी है. सेकंड डेफिनेशन लिखो इसकी. A team is a group of people with a full set of complementary skills, required to complete a task. मैम पहली वाली रिपीट कर दो मैम. ओके. A group of persons with different type of skills who are committed to a common purpose, set of performance goals and approaches, working together for it. They are working together with each other, maybe as such. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट. इसकी स्टेजेस है, टीम कैसे बनानी है, चार स्टेजेस है.
अच्छा पहले आपने जो डेफिनेशन लिखी उसे समझ लो. डेफिनेशन में एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखवाया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाला. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती क्या है, टीम के हर मेंबर के पास उसकी डिफरेंट स्किल्स होगी. अब एग्जांपल ले लो, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी, इमेजेस भी डिजाइन करनी पड़ेगी, मुझे उसका फ्रंट एंड भी डिजाइन करना पड़ेगा, प्लस डेटाबेस को भी हैंडल करना है, फिर मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी है उसमें, फिर उसकी मार्केटिंग भी करनी है. ठीक है, फिर उसके जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी बनानी है. ठीक, ये सारे काम करने हैं. तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूंगी कि मेरी सारी टीम जो है सारे मेंबर्स को सारी स्किल्स हो उसके पास, हर किसी के पास सारी स्किल्स नहीं होती. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूंगी कि मुझे सिर्फ सारे प्रोग्रामर्स चाहिए, वो अपने आप मैनेज करेंगे सारे कामों को, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो टीम में डिफरेंट स्किल्स के लोग इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट स्किल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बोल सकते हो, कि जो जो स्किल्स मुझे मेरा काम कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो सारी स्किल्स हर किसी ना किसी एक पर्सन में होनी चाहिए. सारी स्किल्स मीन्स एक स्किल एक पर्सन में है, दूसरी स्किल दूसरे पर्सन में है, तो मैं उन दोनों को कंबाइन करके एक टीम बना लूंगी. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ली, तो उस केस में कोई पर्सन होगा जो मुझे जानता होगा, जिसे डिजाइनिंग आती होगी, इमेजेस डिजाइन करनी आती होगी, मैं उसे बोलूंगी तू मेरी टीम का मेंबर बन जा. फिर प्रोग्रामर होगा, उसे मैं बोल दूंगी तू भी एक मेंबर बन जा. मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, डिफरेंट स्किल्स वाले, तो मैं डिफरेंट स्किल्स वाले पर्सन इकट्ठे करूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं अकेले प्रोग्रामर्स इकट्ठे कर लूँ या अकेले डिजाइनर्स इकट्ठे कर लूँ या सिर्फ जो हमारे रिपोर्ट्स बनाते हैं जिनको जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं उन्हीं को इकट्ठे कर लूँ. ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हम इकट्ठे करेंगे. अगर आप क्रिकेट की भी बात करो तो क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि जिसको बैटिंग आती है, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीम में सारे बैटिंग वाले पर्सन रखते हो, आप कोई ना कोई विकेट कीपर भी रखते हो. ठीक है, आप कोई ना कोई बॉलर भी रखते हो. तो बेसिकली आप डिफरेंट स्किल्स वाले पर्सन उस टाइम पे इकट्ठे कर रहे होते हो. ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब डिफरेंट स्किल्स वाले, जिनके पास अपनी अपनी स्पेशलिटी है, बट वो सभी अब एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो मेरा वर्क परफेक्ट होगा. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे स्टेजेस टीम मैनेजमेंट के, टीम डेवलपमेंट के. बेसिकली अभी टीम मैंने बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस आएंगी, क्या क्या मैं मेरे पास मुझे क्या कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में लेना, वो सारा काम. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मिंग का, मतलब आपने टीम के मेंबर्स डिजाइन करने हैं. आपने सोचना है कि मैं एक टीम बनाऊंगा. ठीक है, मैंने अभी सोचा है, तो इसमें यही है कि टीम मेंबर्स आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया दैट आर ए टीम. कि बेसिकली टीम मेंबर्स को अभी पता चल रहा है कि हाँ हम लोग टीम में एक बन सकते हैं, हमने एक टीम बना सकते हैं. ठीक है, देन सेकंड स्टेप है स्टॉर्मिंग का. स्टॉर्मिंग का मतलब है टेस्ट करना किसी को. ठीक है, तो टीम मेंबर्स एक दूसरे को टेस्ट करते हैं कि अगर मैं ये वाला काम कर दूं, लाइक एग्जांपल लेते हैं एक सॉफ्टवेयर की ही, या फिर आप ऐसा बोल दो कि हम क्रिकेट की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगी आपके लिए. ठीक है, तो आपने एक टीम बनाने का सोच लिया, आपने सोचा कि मैंने ए पर्सन है वो बैटिंग करेगा, बी पर्सन जो होगा वो विकेट कीपर होगा, सी पर्सन होगा बॉलर होगा. ठीक है, तो उस केस में हुआ क्या कि आपने टीम के बंदे तो सिलेक्ट कर लिए, बट आप चेक भी तो करोगे कि आपकी टीम के मेंबर्स परफेक्ट है अपने काम के लिए कि नहीं. ठीक है, आंखें बंद करके तो विश्वास करना नहीं है. तो आप क्या करोगे जी, सी पर्सन को जो बॉलर था उसे बोलोगे कि तू ना बैटिंग वाले को बॉल्स करवा और देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, और अगर विकेट्स वगैरह का कुछ सीन पड़ेगा तो वो विकेट कीपर की भी चेकिंग हो जाएगी. तो बेसिकली टीम मेंबर्स एक दूसरे को ही टेस्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए. देन नॉमिंग. अब नॉमिंग में क्या है कि जब मैंने एक बार टेस्ट कर लिया, जो जो पर्सन सक्सेसफुल हो गए अपने टेस्टिंग में, पास हो गए टेस्ट में, आप क्या करोगे उन सभी को अपने अपने रोल्स बताओगे कि तूने ये वाला काम करना है, तूने ये वाला काम करना है. ठीक है, और मैं ये वाला काम करूंगा. तो बेसिकली आपने सभी को अपने अपने रोल्स डिफाइन किए हैं कि कौन सा पर्सन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कौन से पर्सन ने क्या वाला काम करना है कम्प्लीट. ठीक है, देन लास्ट इज परफॉर्मिंग. परफॉर्मिंग, अब इसमें टीम बना ली है तो काम भी तो एग्जीक्यूट करना है, सारा कुछ क्लियर हो गया किस पर्सन ने कौन सा काम करना है, तो एक्चुअल में वो काम भी परफॉर्म करे. ठीक है, तो उसके लिए ये फोर्थ स्टेप है कि हमने इस केस में इस स्टेप में जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देना. चार स्टेप्स है, फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग, देन नॉमिंग एंड परफॉर्मिंग. फॉर्मिंग का मतलब टीम बनाने का सोचा है, मैंने पर्सन को इकट्ठा किया. स्ट्रोमिंग में मैंने उनको चेक करना है. नॉमिंग में मैंने उनको नेम्स, उनके रोल्स डिफाइन करने हैं, रोल देने, आर ओ एल वाला रोल्स देने. ठीक है,
एंड देन परफॉर्म, इसमें परफॉर्म करना है हमने अपना काम. ये चार स्टेप्स स्टेजेस हैं टीम डेवलपमेंट की. चारों के नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए और चारों के नामों के मीनिंग क्या है, ठीक है, इतना ही याद रख लो, इनफ है. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. कोई डाउट है तो बता दो, हो सकता है डाउट यहाँ पे. नहीं डाउट, ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टीम की, इसमें बेसिकली हम बताएंगे कि टीम के कौन कौन से पर्सन में क्या क्या फीचर्स होंगे या फिर टीम के मेंबर्स में क्या क्या क्वालिटीज होंगी, ठीक है. अब क्या क्या है इसमें, एवरीवन पार्टिसिपेट्स एक्टिवली, सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि दो बंदे काम कर रहे हैं और दो बंदे आराम से बैठे खा पी रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है. सारे पार्टिसिपेट करेंगे और पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे, नेगेटिवली नहीं. सारे एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ना कि डीमोटिवेट करना, ठीक है, मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स में. देन टीम गोल्स आर अंडरस्टूड बाय एवरीवन, सभी को क्लियर होना चाहिए कि हमारी टीम का कॉमन गोल क्या है, हमने किस काम के लिए काम करना है, ठीक है, वो चीज है. देन इंडिविजुअल मेंबर्स हैव थॉट हार्ड अबाउट क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, मतलब हर मेंबर को चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ले अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो. कंपल्सरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम उसी पर्सन की हो, किसी हमारे टीम मेंबर की भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी सारे टीम मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहिए, मतलब बेसिकली पड़ेगा नहीं, चाहिए, ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट. देन मेंबर्स आर केयरफुली लिसनड टू एंड रिसीव थॉटफुल फीडबैक, सारे मेंबर्स को एक दूसरे की फीडबैक लेनी भी चाहिए, मतलब मैं ठीक काम कर रहा हूँ कि नहीं, अपने टीम मेंबर से पूछते रहना चाहिए. प्लस अगर आपको लगता है कि आपकी टीम का कोई पर्सन ठीक काम नहीं कर रहा या उसको काम करने की वजह से डिले हो सकता है आपका काम, आपका गोल अचीव करना डिले हो सकता है, या फिर उसे समझ नहीं आ रहा कैसे काम करना है, तो आपको उसको फीडबैक भी देनी है, फीडबैक देनी भी है और लेनी भी है अपने बारे में, ठीक है. देन एवरीवन टेक्स इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स डन, सभी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे. ऐसा ना हो कि एक पर्सन कहे कि मैं कर लूंगा, बाकी बोले यार मेरे से तो होगा नहीं, तू ही कर दे मेरा भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ईच टीम में ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ अदर, सभी को एक दूसरे की जजमेंट पे भी ट्रस्ट होना चाहिए अगर फीडबैक ले रहे हो किसी से तो, ठीक है. लाइक मेरे टीम का कोई पर्सन आके मुझे बोले यार तूने ना ये काम जो किया है इसकी वजह से हमारा काम डिले होगा, तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा उस पे कि हाँ हो सकता है डिले हो, तो या तो मैं उस काम को करने का कोई दूसरा मेथड निकालूंगी या फिर मैं श्योर करूंगी इस चीज को कि मैं उस काम को डिले ना करूं, ठीक है. मुझे उनकी जजमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं वैसे की वैसे ही काम करती रहूं, कुछ ना कुछ मुझे मेजर्स यूज करने पड़ेंगे. द टीम इज विलिंग टू टेक रिस्क, रिस्क लेना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउअडेज. अगर आप किसी बिजनेस की बात करो तो उस केस में भी रिस्क टेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और टीम को भी, सारी टीम को रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. वो क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेते तब तक आप अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको पुश आउट नहीं करते. आप जिस चीज को बेसिकली जिस चीज के अंदर फंसे हुए उससे बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है. अब वो अब इसकी एग्जांपल अगर आप चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो, जब आप छोटे थे तो आपको बाइक्स या फिर कार्स ड्राइव करनी नहीं आती थी, ठीक है, मोटर बाइक्स ड्राइव करनी नहीं आती थी, बट एट वन मोमेंट यू टेक द रिस्क, आपने एक रिस्क लिया और आपने कहा कि मैं ट्राई करूंगा, मैं सीखूंगा. तो जब आप सीख रहे थे उस टाइम पे कहीं को चोट भी आई होगी, ठीक है, तो रिस्क लिया था, थोड़े सी उसका डिसएडवांटेज हुआ, बट द थिंग इज एट द एंड आप उस चीज को सीख गए होंगे, ठीक है. तो रिस्क लेना इज इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग एनीथिंग. देन एवरीवन इज सपोर्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑफ अदर्स, सभी को अपने प्रोजेक्ट को तो सपोर्ट करना ही, मतलब अपने टास्क को सपोर्ट करना ही है, प्लस दूसरों को भी अगर हेल्प चाहिए आपकी तो एक दूसरे की हेल्प करो. लाइक एक पर्सन ने काम अपना कंप्लीट कर लिया, दूसरा पर्सन है उसका अभी आधा काम ही हुआ है, आधा पड़ा है, तो आप उसे बोल सकते हो ला मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो वो एक दूसरे की सपोर्ट होगी. देयर इज प्लेंटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ऐसा ना हो कि एक मुंह फैला के बैठा रहे साइड पे कि मैंने तेरे से बात ही नहीं करनी. देन टीम डिसीजंस आर मेड यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल मेथड्स, टीम के जो भी डिसीजंस होंगे क्रिटिकल डिसीजंस होंगे वो लॉजिकल मेथड्स ऑर्गेनाइज्ड वे में लॉजिकल मेथड्स की हेल्प से होंगे, मतलब उसमें सारी टीम की इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लस जो भी
डिसीजन लिया जाएगा, या तो वोटिंग करवा लो या फिर उसकी किसी आउटसाइडर से जजमेंट करवा लो, तो डिफरेंट उसके लॉजिकल मेथड्स होंगे, वो सारे हमने यूज करने. देन फुल टीम एक्सेप्टेंस इज एक्सपेक्टेड एज डिसीजंस आर मेड. एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी टीम उस चीज के एक्सेप्ट कर ले जो आपने डिसीजन लिया है, बट इन केस आपका टीम का एक पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं, 9 persons एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा, तो उस केस में आप रिस्क ले रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए. बट यस, रिस्क इज इम्पोर्टेंट, अगर आप अचीव कर लेते हो अपना गोल तो इट विल बी फाइन. बट यस, एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी टीम एक्सेप्ट करे उस चीज को. देन टीम गोल्स आर गिवन रियलिस्टिक टाइम फ्रेम्स. टीम गोल्स, जब हम गोल्स सेट करते हैं तो जो हम टाइम लिमिट बतानी है अपने गोल्स की, वो रियलिस्टिक हो, मतलब आपको लगना चाहिए कि वो काम इतने टाइम में हो सकता है. ऐसा ना हो कि मैं आपको अभी बोल दूं असाइनमेंट बनाओ, 5 questions है, तो आपको बोल दूं कि मुझे 15 minutes में ये आंसर्स चाहिए, ठीक है, तो डेट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू. तो उस केस में ये चीज डिनाई हो रही है. बट टीम गोल्स बेसिकली है क्या, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम उसे देना चाहिए. देन एवरीवन इज फोकस्ड ऑन अल्टीमेट गोल ऑफ द प्रोजेक्ट. सभी अपने गोल के लिए ही फोकस्ड हैं, वाइल ऑल्सो डिगिंग इन टू द अंडरलाइंग डिटेल्स. बेसिकली वो अपनी जो भी डिटेल्स होंगी उनको फाइंड आउट तो करेंगे, बट वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स पे ही डिपेंडेंट होंगी. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं एक टीम की, या टीम मैनेजमेंट की बोले तो भी यही आएंगी कि टीम क्यों बनाते हैं और टीम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे हमारी एक टीम के, वो आएंगे सारे इसके अंदर. और भी काफी सारे हो सकते हैं यहाँ पे जो मेंशनड है, इसके अलावा काफी हो सकते हैं, आप उनको अगर चाहो नेट से भी फाइंड कर सकते हो. अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया आ रहा है तो डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन दिस, ठीक है, बट मेक श्योर वो आइडिया ठीक हो. ठीक है यहाँ तक? यस मैम. ओके, यस मैम. देन करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड टीम मेंबर की, वो जिस भी टीम मेंबर ने ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर हमने पढ़े हैं ये सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है, देन ही इज अ गुड टीम मेंबर. तो यही सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके बताया हुआ है कि ब्लेम नहीं करना दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है, सपोर्ट करना है सभी को, एक्नोलेज करना है दूसरों के काम को, फीडबैक लेनी है देनी है, बिहेवियर अच्छा रखना है. तो वही हमने ऊपर सारे कवर अप किए हैं, तो ये मैं अभी दोबारा डिस्कस नहीं कर रही. देन हमारी आ गया टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टीम. अब टीम की क्या इम्पोर्टेंस है, कोई चाहेगा कुछ बताना? एनी रिव्यूज? नहीं देना किसी ने, कुछ नहीं बोलना आज इस चीज पे मैम. इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, टीम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बनाते हैं हम टीम? ताकि मैम कोई प्रॉब्लम आए और उस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व किया जा सके. राइट. और क्योंकि जरूरी नहीं है मैम कि एक इंडिविजुअल उसे हर चीज पता होगी मैम. राइट, ठीक है. और हाँ जी, और बताओ बाकी मैम. जैसे क्लास में ग्रुप बनाया तो एक को कोई आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा बंदा उसकी हेल्प करे. हाँ, दूसरे की हेल्प मिल जाती है और तो उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है. और पॉइंट्स बताओ. जरूरी नहीं है जो बुक में गिवन है वही करने हैं, बुक में तो कुछ ही गिवन है, बट टीम की इम्पोर्टेंस लिमिटेड टू 5 points तो है नहीं. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप बताओ कुछ. हाँ जी बोलो. आपको टीम की इम्पोर्टेंस नहीं पता? क्रिकेट किस किसने खेला? ओके छोड़ो क्रिकेट को, पबजी की बात करो. पबजी किस किसने खेली है जी? हाँ जी, अब पबजी वाले तो कम से कम बोल दो. मैं कौन सा आपको आपके ऊपर केस करने लगी कि इन्होंने पबजी खेली है जी? नहीं, किसी ने भी नहीं खेली. वेरी नाइस, ऐसा तो है नहीं. ओके, लूडो खेलते हो? यस मैम. उसमें yes, टीम बनती है? यस मैम. ओके, नो मैम.
जो टीम्स बनती है ना लूडो में वो बेसिकली चीटिंग वाली टीम्स होती है एक्चुअल में. वो सारे हम डिफरेंट गोल्स के लिए, सभी का अपना अपना गोल होता है कि मैंने जीतना मैंने जीतना, वो टीम नहीं होती. ओके कोई और गेम बताओ जिसमें टीम मिली मिलिशिया वो खेली है. यस मैम. उसमें टीम्स बनती हैं. यस मैम. यस मैम ठीक है. तो उसमें क्या फायदा है हमारे टीम बनाने का, हम अकेले अकेले भी तो खेल सकते हैं, टीम बना के भी खेलते हैं. बैकअप मैम. बैकअप. बैकअप के लिए ठीक है. तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे टीम का एक पर्सन नहीं काम कर पा रहा, वो अपना हमारे गोल अचीव करने के लिए हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा किसी भी कोशिश किसी भी रीजन की वजह से, तो उस केस में वो हम उसकी हेल्प कर सके, हम उसका काम कर सके. यस मैम. ओके तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो. और बताओ तो उस पॉइंट को आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो, वर्क नेवर सफर्स इन अ टीम. काम कंप्लीट नहीं हो रहा अगर एक टीम मेंबर नहीं भी काम कर रहा, तो उस केस में आपका वर्क सफर ना करे, बाकी टीम मेंबर्स हेल्प करे. तो यही इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, परफॉर्म एंड मैनेज वर्क इन द एब्सेंस ऑफ एनी टीम मेंबर. ठीक है, तो वर्क हमारा अफेक्टेड ना हो. और हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जेनरिक स्किल्स टीम की वजह से, टीम में वर्क करके हमारी जेनरिक स्किल्स में भी एक टीम वर्क स्किल थी ना, टीम वर्किंग स्किल, वो भी इम्प्रूव हो रही है. हमारी सोशल नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिकॉज एंड ह्यूमन इज एन सोशल एनिमल. ठीक है, तो हमें सोशल हाँ जी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है. राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं.